भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कहा कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। दोस्तों, आज कलयुग चल रहा है। बताया जाता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है, इसलिए हमें अपने सभी कर्मों का फल इसी युग में भुगतने पड़ेंगे। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली चीजें धरती पर घटित हो रही होंगी। बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट, ये सब इसका संकेत भी हैं। लेकिन दोस्तों, जब जब कोई बड़ी घटना हुई है तब तब जगन्नाथ पुरी मंदिर से ऐसे संकेत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कलयुग का अंत नजदीक है। उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर, यहां से जो भी संकेत मिलता है वह संसार में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करता है। यहां से मिलने वाला संकेत जरूर दुनिया में कुछ अजीब घटना के पीछे जिम्मेदार होता है। भगवान जगन्नाथ ही एक ऐसे देवता हैं जो हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के पुरी में रहकर हम सबकी रक्षा करते हैं। जगन्नाथ जी कलयुग के राजा हैं और उनका राज तब तक चलेगा जब तक भगवान विष्णु एक बार फिर से कल्कि अवतार के रूप में धरती पर नहीं आ जाते। तो चलिए जानते हैं जगन्नाथ पुरी से आने वाली वह कौन से संकेत है जो विनाश की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कई सालों में जगन्नाथ पुरी मंदिर से लगातार कई तरह के संकेत मिल रहे हैं और इसके बारे में भविष्य मलिका में पहले ही लिखा हुआ है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो भी हमें कुछ अजीब लगता है, लेकिन लगभग 500 साल पुराने ओडिशा के सटीक भविष्य बताने वाले ग्रंथ भविष्य मलिका की माने तो यह सब सही है और ऐसा शुरू भी हो चुका है। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि हमारी धरती बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है और धरती पर यह बदलाव पूरे 3 चरणों में होगा। दोस्तों, उड़ीसा में मौजूद जगन्नाथ पुरी धाम कलयुग के अंत के बारे में बहुत कुछ कहता है। जगन्नाथ धाम मंदिर विश्व का सबसे प्रसिद्ध यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिसमें दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन जिस जगन्नाथ धाम को हम आज के समय में जानते हैं वह पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर पर 18 बार से ज्यादा हमले हुए हैं, जिसमें आक्रमणकारियों का एक ही मकसद होता था, या तो वह मंदिर को तोड़ डड्डा द या वह मंदिर का सारा कीमती खजाना चुरा ले। इस सभी हमलों के पीछे मुगलों और अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ था। इसी कारण इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। अब आपको एक एक करके उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो जगन्नाथपुरी मंदिर से मिले हैं और धर्म के जानकार उन संकेतों को कलयुग के अंत से जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला संकेत यह है और जिसके बारे में संत अच्युतानंद ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा और मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। दरअसल दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियां लकड़ी की बनी होती है। लंबी चली आ रही परंपरा के अनुसार यह मूर्तियां 12 वर्षों में एक बार बदली जाती है, जिसमें पुरानी मूर्तियों को दफना दिया जाता है और नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। इसे नव कलेवर की रस्म कहा जाता है। साल 1996 के बाद 2015 में मूर्ति बदलने की इस रस्म को निभाया गया था, लेकिन 2015 में मूर्ति स्थापना के समय पंडितों के बीच कुछ बात को लेकर बोलचाल हो गई थी, जिसकी वजह से मूर्ति की स्थापना रात में होने की बजाय लेट हो जाती है और करीब 12 घंटे बाद अगले दिन दोपहर को मूर्तियों की स्थापना हुई थी। इसके अतिरिक्त आए दिन मंदिर के पुजारियों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से मंदिर में अव्यवस्था होती है। इस तरह से यह भविष्यवाणी सच साबित हुई है और यह आने वाले समय में शुभ संकेत नहीं है। इसके बाद जो दूसरी भविष्यवाणी की गई थी वह भी सच हो गई। भविष्यवाणी में कहा गया था कि जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा कई बार नीचे गिरेगा और एक चक्रवाती समुद्री तूफान में समंदर में जा गिरेगा। इसके बाद 2019 के मई महीने में चक्रवाती तूफान की वजह से मंदिर का झंडा उड़कर समुद्र में जा गिरा था। उसके बाद 2020 में भी भारी तूफान की वजह से मंदिर का झंडा उड़ गया था। और दोस्तों, मंदिर का झंडा गिरना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है और जिसका खामियाजा दुनिया ने बहुत बड़े स्तर पर भुगता था। इसी दौरान कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और लाखों लोगों को मौत की आघोश में डाल दिया था। एक साथ इतने लोग मारे गए थे कि लाशों की लाइन लग गई थी। इस तरह से यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। इसके बाद तीसरी भविष्यवाणी जो जगन्नाथ पुरी मंदिर के बारे में की गई थी वह यह थी
जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरे गए। बताया जा रहा है कि 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 बार जगन्नाथपुरी मंदिर से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है, और यह पत्थर गिरना भी शुभ संकेत नहीं है, और यह भविष्यवाणी भी सच हो गई। और दोस्तों, इन घटना की अहमियत इसलिए है क्योंकि यहां पर जो भी घटना घटती है, यह कलयुग के अंत के बारे में शुरुआती चेतावनी भी आप कह सकते हैं। इसके बाद जो चौथी भविष्यवाणी की गई थी कि जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी, 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के मौके पर झंडे में आग लग गई थी। इस घटना को भी लोग एक अपशगुन के तौर पर देखकर इसे भी एक चेतावनी मान रहे हैं। और इस घटना के कुछ टाइम बाद ही कोरोना महामारी में बहुत तेजी आ गई थी और फिर आनन फानन में लॉकडाउन लगा दिया गया था। पांचवी भविष्यवाणी इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी ना तो वहां पर उड़ता है और ना ही उस पर कभी बैठता है। यहां तक कि यहां से कोई हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज भी इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता है। लेकिन जुलाई 2020 में एक घटना होती है और इसी प्रकार की घटना दिसंबर 2021 में भी हुई। इन दोनों समय में मंदिर के ऊपर एक बार गिद्ध बैठ चुका है और दूसरी बार पक्षियों को भी वहां पर उड़ते हुए देखा गया है, और इस शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। इससे भी डरावनी भविष्यवाणी कोरोना महामारी से पहले की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उड़ीसा में एक भयंकर चक्रवर्ती तूफान आएगा और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का पवित्र कल्प वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ टूटकर गिर जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, और मई 2019 में समुद्र में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसकी वजह से पवित्र कल्प वृक्ष टूटकर नीचे गिर गया था, और उसी साल कोरोना महामारी ने जो तांडव मचाया था वह पूरी दुनिया ने देखा था। भविष्य मालिका के हिसाब से कलयुग का अंत तीन चरणों में होगा। पहला कलयुग कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश, और फिर आएगा नया युग। आपको लग रहा होगा कि यह तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन भविष्य मलिक के हिसाब से कलयुग का अंत आने वाले कुछ सालों में हो जाएगा। पौराणिक समय के संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्रों पर की थी, और भविष्य मालिका ग्रंथ ने कई बड़ी भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भविष्य के विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई हैं। भविष्य मालिका में सबसे बड़ी भविष्यवाणी तीसरे विश्व युद्ध को लेकर की गई है। भविष्य मालिका में 2022 से तीसरे विश्व युद्ध के शुरुआत की भविष्यवाणी की गई है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी भी जारी है, और हाल ही में इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 में विश्व युद्ध की नींव रखने के बाद 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। इंसानियत केवल नाम की रह जाएगी और हंसती खेलती धरती आज तक की भीषण त्रासदी देखेगी। आकाश में दिखेंगे दो सूर्य। इस भविष्यवाणी में आसमान में दो सूरज दिखने जैसा आभास होगा। बताया गया है कि एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई और आसमानी चमकती वस्तु होगी, और यह चमकती वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मलिका के अनुसार धूमकेतु भारत में युद्ध चलने के दौरान गिरेगा। धरती पर उल्कापिंड एक भयावह घटना होगी जब यह उल्कापिंड दिन के समय में हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में ओडिशा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। भारत देश पर होगा भीषण हमला। भविष्य मलिका में कहा गया है कि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 के बीच भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। भारत को लुटने की साजिश विश्व युद्ध का मुख्य कारण होगा। इसी समय चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा। पाकिस्तान सहित अन्य 12 इस्लामिक देश को धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। क्या यह संकेत वाकई में कलयुग के अंत के संकेत है या फिर यह एक संयोग है? और कमेंट में जय जगन्नाथ पूरी जरूर लिखें।